फाइनली हम लोग आज जा रहे हैं वापस जम्मू। लग रहा है मैं कहाँ जाके दम करके नीचे गिर जाऊंगी। अभी हम लोग पहुंचे हैं नानी घर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली हम लोग आज जा रहे हैं वापस जम्मू। तो एक हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, तो अब मम्मा, मैं और हमारे साथ जा रहे हैं नानी। तो हम बस निकल रहे हैं घर से, तो सामान हमारा यहाँ पे रेडी है। लाइट पड़ रही है बाहर से बहुत ज़्यादा, तो बस निकल रहे हैं घर से। तो मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर, तो फिर भी गाड़ी आ रही है यहाँ तक। तो चलते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं बाहर का मौसम और जाते हैं गाड़ी तक, फिर हम जाएँगे वापस जम्मू। तो मिलते हैं आपसे यहाँ से निकलने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से, लेकिन यहाँ पे चेक करो मौसम, बारिश हो गई, अभी भी हो रही थी बट अभी रुकी है। लेकिन रास्ता देखो यहाँ पे, मुझे लग रहा है मैं कहाँ जाके दम करके नीचे गिर जाऊंगी और मेरे कपड़े पूरे खराब हो जाएंगे। प्यारी समझ गई। तो देखो मम्मा जा रहे हैं आगे, चलो चलो यहाँ से थोड़ा सा ही है नीचे, नानी हाउस तक जाएंगे, वहाँ पे जाएगी गाड़ी, क्योंकि घर के पास गाड़ी नहीं आ रही है, वहाँ पे रोड ख़राब है बारिश की वजह से, इसलिए हमें थोड़ा सा नीचे तक जाना, 5-10 मिनट का रास्ता है। निकल गए हैं घर से, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और जाते हैं वापस जम्मू, और फिर मिलेंगे आपसे जम्मू जाकर, और अगले जो भी लोग होंगे वो आएँगे हमारे जम्मू के ही जैसे पहले आते थे। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँचे हैं नानी घर। ये पीछे जो भी घर है ये सारे मामू वगैरह के घर हैं, मतलब जो मेरे मामा ससुर हैं इनके मामा जी वगैरह उन सब के घर है 3-4 इधर। तो इधर से थोड़ा सा नीचे जाना है, वहाँ से हमें मिलेगी गाड़ी, तो चलते हैं अभी। पर गाइस, मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा भी है और बुरा भी है। देखो ऐसे तो अच्छा है, लेकिन बारिश हो गई ना, उस वजह से रास्ता पूरा ख़राब हो गया, क्या करें। पर अब जाना तो था, और ऊपर से कल था संडे, तो संडे को यहाँ से गाड़ी नहीं जाती, फिर हम जाते मंडे को, तो जाना भी ज़रूरी था, इसलिए हम लोग निकल गए। गाड़ी आज जा रही है, हमने सोचा चले जाते हैं बारिश में। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नीचे रोड पे जाके, तब तक आप यहाँ की सीनरी चेक करो गाइज, बहुत ऑसम है। सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका गाइज़। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, अभी हम यहाँ से गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ से हम जाएंगे डोडा। तो डोडा से हमें बस या टेम्पो वगैरह कुछ भी मिलेगा जम्मू के लिए, तो हमें दो या तीन गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है। यहाँ से डोडा, डोडा से जाएंगे जम्मू, जम्मू से फिर घर के लिए हम जाएंगे गाड़ी में। अभी हमें 5-6 घंटे लग जाएंगे यहाँ से जाने में, क्योंकि टाइम लगता है, बस ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। अब देखते हैं जाके क्या बनता है, क्या है रोड की हालत। सो गाइज, अभी हम पहुँचे हैं बग्गर, तो मैंने ले लिया चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे ही मन ख़राब हो रहा था गाड़ी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं टेम्पो में बैठी, ऐसे में बस में आती हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग 5-6 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं जम्मू। अभी हम अम्फला में उतरे हैं गाड़ी से, तो अभी आ रहा है भाई हमें लेने के लिए, वो हमें पहुंचाएगा घर तक। तो चलते सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस घर। तो हम 4 बजे पहुंचे थे जम्मू, और उसके बाद आके रेस्ट वगैरह की, क्योंकि थक गए थे। तो अभी बज रहे शाम के 6। तो जो स्कूटी है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे ही थी तो बारिश वगैरह हुई, जिस वजह से वो गंदी हो गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ उसको पहले वॉश कर लूँ, क्योंकि बाहर लेके जानी पड़ती, सब्ज़ी वगैरह लानी है।
तो उसके लिए पहले वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी सब्जी लेने। तो स्कूटी वॉश करने के बाद फिर मैं, नानी आए हमारे साथ, मतलब जो मेरी नानी सास है वो आए, उनको दिखाना था डॉक्टर को, तो हमने सोचा उनको थोड़े दिन के लिए हम अपने साथ लेके चलते हैं, इसलिए वो आए हैं। तो उनसे करेंगे बात और उनको पूछती हूँ मैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, और वो कितने टाइम के बाद इधर आए हैं जम्मू में, क्योंकि वो बहुत कम आते हैं, गाँव में ही होते हैं। तो आपको पता, जो गाँव के जो भी लोग होते हैं वो सिटी में रहना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि सिटी में थोड़ा मतलब कंजेस्टेड होता है ना घर के अंदर ही रहना, गाँव में इंसान बाहर घूमता अच्छे से फ्रीली, मतलब अच्छा होता है गाँव में। तो फिर उसके बाद करेंगे नानी से बात। तो पहले मैं कर लेती हूँ स्कूटी वॉश, और यहाँ पे देखो पिंपल, जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो मेरी यही हालत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके पानी चेंज होता है और मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करता है, इस वजह से मेरे को पूरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं। अभी मैंने लगाई है दवाई, क्योंकि इसको ठीक करना, जल्दी से मेरा फेस पूरा खराब हो जाता है वहाँ जाके। तो पहले जाती हूँ मैं स्कूटी धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना। नानी, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है। हमारा घर अच्छा है? अच्छा है। कितनी देर के बाद आए आप इधर? दो तीन साल। दो तीन साल के बाद आए। गांव अच्छा है कि ये अच्छा है? है? इधर अच्छा है कि उधर अच्छा है? अच्छा है। घर नहीं अच्छा? नहीं, उधर भी अच्छा है। उधर भी अच्छा है? ज्यादा अच्छा है उधर? अच्छा अच्छा है। ठीक है, अभी बैठना ना इधर, इधर बैठोगे ना? अब बैठे हुए। ठीक है ठीक है। सो गाइस, फाइनली आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे खत्म। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम की आईडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही मेंशन है, जाके जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मेरी दो आईडीज़ हैं, एक जो है वो फिटनेस फ्रीक के नाम से है, और दूसरी मेरे अपने नाम से है, गुड़िया राहुल मन्हास के नाम से। तो आप जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर जाके रील्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। नानी जी, आपकी उम्र कितनी है? 90,000। 90। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।